ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पांचवें चरण के लिए वोटिंग जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का आज पांचवा चरण है जिसके लिए लगातार वोटिंग हो रही है। वही यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी आज मतदान किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया है। पांचवें चरण के लिए आज सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है और लगातार मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी अपना मतदान किया है। कुछ समय पहले वो मतदान केंद्र पहुंचे थे और अब उन्होंने अपना मतदान किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से, जहां 14 लोकसभा सीटों पर आज पांचवें चरण में वोटिंग कराई जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच आज पांचवें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो गया है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पांचवें चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान शुरू हो गया है। कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी अपना मतदान किया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पांचवें चरण के लिए सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पांचवें चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान की प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया है। इसी बीच डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। पांचवें चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। यूपी की 14 लोकसभा सीटें इसमें शामिल है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 14 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। इसी बीच डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मतदान करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे।